السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नाजरन इकराम ये प्रोग्राम लाउबाली रिसर्च सेंटर की जर निगरानी में निशा इस्लामिक की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है दीन इस्लाम एक आफाख़ी दिन है जिसमें अमन व सलामती की तालीम दी जाती है ये वो मजहब है जहाँ अख़वत व भाईचारगी की तालीम दी जाती है मफ़्लूकुल हाल और ग़रीबों की मदद के जज्बे को फ़रग़ देते हुए दीन इस्लाम ने ईमान वालों पर ज़क़़़़़़त फ़र्ज की है ज़क़़़़़त इस्लाम का चौथा रुकन है और नमाज़ के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत व फजीलत इसी को हासिल है कुरान करीब में बत्तीस मकामात पर नमाज के साथ जकात का जिक्र आया है और पंद्रह मकामात पर लफ्ज़ सदक़ा जकात के माना में शामिल है हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जकात की अहमियत कितनी ज़्यादा है नाज़रीन इक्राम इबादत के दो बुनियादी फायद हैं एक तो ये कि बंदा अल्लाह तबारकवा ताल खुरब हासिल करे दूसरा ये कि अपने आख़ा यानी अल्लाह तबारक वाल की इबादत करते हुए उसके मखलूक की मदद करे और तावन करे ज़क़त में ये दोनों बातें पाई जाती है अदाई ज़क़त के ज़रिए बंदा अल्लाह तबारकवा ताल काब हासिल करता है कि वह मखसूस मकदार में मखसूस माल का जो मालिक होता है उसमें अहकाम शरैया के जरिए से ज़क़त निकालता है तो उसके दिल से माल की मोहब्बत निकल जाती है और वो ये सोचता है कि ज़रूर ये जो कुछ माल मैंने जमा किया है वो मेरी मेहनतों से नहीं है बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फ़जल व बरकत ना देता तो कभी ये माल मेरे पास मयसर ना होता ज़कात की मंजुमला हमतों में से एक हमत यह है कि अल्लाह तबा उस इंसान का दिल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का मरक़ बन जाए वो हिस्स हवस का गुलाम ना बने बल्कि अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल आलतम के अहकाम का तबाह फरमान बने अल्लाह तबारक वाली जिस तरह अमीरों को नवाजने परादिर है इसी तरह गरीबों को भी नवाज़ने परादिर है नाजर निकराम याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताली ने सरमादारों को जो दौलत दी है वो गरीबों को भी देने पर कार है देने वाला खुदा मालिक व बेनियाज है किसी को उसने माली सतह पर ऊंचा दर्जा दिया तो किसी को कम दर्जा दिया ताकि लोग एक दूसरे से इस्तेफादा कर सकें और एक दूसरे से और बाहमी ताउन का सबूत दे सकें चुनाचे अल्लाह तबारक व तालन मजीद में इर्शाद फ़रमाता है अबीम बसमिल्लर रही यकसिमरमिक नाहनसम ना बीन आयशत हम फ़िलहत दुनिया वरुफ़ाना बाम फ़ोकबाद दरवाजा तिलियत बाख्रिग् वब का लोग आपके रब की रहमत को तकसीम करते हैं जबकि उनके दरम्यान उनकी मीशत को हमने तकसीम कर दिया है और एक को दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि लोग एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर सकें और आपके रब की रहमत कहीं ज़्यादा बेहतर है नाजरीन इक्राम हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह तबारक वाली ने सरमादारों को जो दौलत दी है वो गरीबों को भी देने पर खादिर है अगर अल्लाह तबारक वाल तमाम लोगों को माल अता फ़रमाता अगर और तमाम लोग आलिशान महलों में रहते तो उन्हें तामीर करने वाला कौन रहता वरना यह तो एक हकीकत है कि अल्लाह रबुलाइज़त ने रोज़ी देने को अपने ज़िम्मे करम में ले लिया है इंसान तो क्या जमीन पर सांस लेने वाले हर जानदार को वही रस्ता माता है इर्शाद हो रहा है रोए ज़मीन पर जितने चौपाए हैं उन सब का रस्् अल्लाह तबारक व ने अपने क्रम में ले लिया है ये खुदा रज़ाक़ वहीम किसान हैं भूखा उठाता है लेकिन किसी को भूखा सलाता नहीं अपने बंदों को सरफराज करके ही सुलाता है ज़क़़़रबा का हक़ हाँ है जो उन्हें लौटाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ये शान है कि इसी तरह अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि उसके बंदे भी दूसरों का ख़्याल करने वाले बने और दूसरों की ज़रूरतें पूरी करके सिफ़त इलाही के महर बने और अल्लाह इज़्ज़त अपने नेक बंदों का जिक्र फ़रमाता है इसके मुतिक़र मजिद में इर्शादे वफ़ी अम वक्स इलीवल महरूम उनके मालों में उन लोगों का भी हक़ है जो अल्लाह तबा जो लोगों के सामने अपनी ज़रूरत का जिक्र करते हैं और उन लोगों का भी हक है जो लोगों के सामने अपनी ज़रूरत का जिक्र नहीं करते इन्हीं हक़ूक की तकमील करवाते हुए अल्लाह ताली ने ज़क़त का फरीज़ा आता फरमाया है वाज रहे कि जकवात देने वाला गरीब पर कोई एहसान नहीं कर रहा है बल्कि अल्लाह रब्बुल बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास अपने माल का इजाफा कर रहा है और जकवात देकर वो ग़रीब पर कोई एहसान नहीं कर रहा है क्योंकि हज़र पाकलात वसलाम का इरशाद मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्हु वसम ने इरशाद फरमाया मालदारो तुम जो कुछ जक़ात देते हो वो गरीबों का हक़ है जो तुम्हारे माल में रखा गया है नाजरिन इकराम जब इंसान को ये बात की फ़िक्र मिल जाती है तो वह ज़क़ात की अदायगी के बाब में किसी पर एहसान नहीं करता और अगर कोई एहसान जतलाता है माल देकर खुश करने के बजाय किसी का दिल दुखाता है तो अपने माल को बातिल करने वाला होता है और अपने सवाब को रायगा करने वाला होता है चुनाचे इसके मतलक अल्ला मजदीद में इशाद फ़रमाता है बसमूलास ए ईमान वालो तुम अपने सदाक़ को बातिल मत कर लो उन लोगों की तरह जो माल को दिखावे के तौर पर खर्च करते हैं इस आयत मुबारक में हमें हुक्म दिया जा रहा है कि किसी की मदद करके एहसान जताना भी नहीं चाहिए और अगर कोई एहसान जताता है तो अपने माल को बातिल करने वाला होता है अगर कोई शख्स किसी की मदद करता है और उस पर एहसान नहीं जताता तो अल्लाह तबारक व ताल उसके लिए वादा फ़रमा रहा है जिस आयत मुबारक को ख़ुतबे में मैंने तिलावत की उसमें इर्शाद हो रहा है मिर व माँ आतीब जो लोग तुम जो लोग सूद देते हैं ताकि लोगों के माल में इजाफ़ा हो तो अल्लाह ताली के पास नहीं बढ़ता और जो लोग अल्लाह की राह में जकवात अदा करते हैं तो अल्लाह ताला के पास वो माल में इजाफा होता है जकवात को मुकर करने की हिमतों में से एक हमत ये भी है कि अपने माल की जकवात देने वाले खुशनसीब खुदा की राह में खर्च करके अपनी रकम को बढ़ाया करते हैं और जकवात अदा करने से सरमाए में भी इजाफा होता है और उसमें बरकत होती है इसी वजह से जकवात के एक मानना ज़्यादती के है जकवात से इंसान का दिल पाक होता है और दिल की सफ़ाई होती है और माल भी बढ़ता है उसमें तरक्की भी होती है इन फजाइल और फ़वाद के बावजूद अगर कोई शख्स ज़क़़त अदा ना करता है तो अल्लाह तबारक व ताल उसके लिए मजीद में नाज़िल फ़रमाई चुनाच इरशाद हो रहा है बसमिल्लर वदीब वफ़तबा बयाम जो लोग सोने और चांदी के खजाने जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह की राह में खुश खर्च नहीं करते तो आप उन्हें खुशखबरी दे दीजिए दर्दनाक आजाब की जो लोग माल का जख़ीरा करते हैं और अल्लाह की राह में उसको खर्च नहीं करते तो अल्लाह इज़्ज़त ने पर आगाह कर दिया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला उन्हें उनकी नाफरमानी करने के सबब उनसे अजाब देते हुए कहा जाएगा चुनाचे इर्शाद हो रहा है हादा मा कनस तुम लिओ फ़ुँ माँ कू तुम तकनीजून ये वो माल है जिसको तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करते ये वो माल है जिसको तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते थे तो बस तुम अब उस माल का मजा छको अब रहा ज़क़़ात का निसाब मुकर करने के लिए सरकार दोआलम सल्ह वसलम को अल्लाह तबारक व ताली ने इख्तियार फरमाया है अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीमलातम के ज़रिए से ज़कात की जक़ात के निसाब की तफसील बताई वरना कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताली ने जा बजा जक़ात का जिक्र फरमाया लेकिन कहीं भी ये ज़कात के निसाब का ज़कात का निसाब मुकर नहीं फरमाया न सोने का जिका ना सोने की जकवात का निसाब मुकर किया ना चाँदी का ना तजारती माल का जक़ा का जकवात का निसाब मुकर किया बल्कि अल्लाह ताला के हबीब ने ज़कवात के निसाब मुकर फरमाया चनाचे हजर पाकम का सोने और चांदी के मुतालिक इर्शाद मुबारक है आप सलील वसल्लम ने इर्शाद फरमाया अगर 200 सौ चांदी हो और 20 दिनार सोना हो तो उसमें जकवात का चालीसवा हिस्सा निकालना चाहिए अब रहा कि जकवात किस अश किस शख्स पर फ़र्ज़ है तो इसके मुताबिक है कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब ना हो यानी अल्लाह तबारक व ताली ने हर मालदार पर जक़ात फ़र्ज की है गरीब पर ज़कात को फ़र्ज़ नहीं किया क्योंकि अल्लाह तबारक वाल ने तमाम लोगों के साथ एहसान का सलूक फरमाया है कि अल्लाह तबारक व गरीब, गरीब पर ज़क़ात फ़र्ज नहीं किया बल्कि मालदारों पर ज़कात फ़र्ज की और किसी के पास इतना माल हो कि बीज दीनार सोना हो और 200 सौ चांदी हो या इसके मुमासिल रकम हो और उसके पास कर्ज हो और कर्ज़ निकालने के बाद उसके पास इतना माल हो कि वो ज़क़़त के, के निसाब को पहुँचता हो तो ऐसे शख़्स पर अल्लाह तबारक व ताली ने ज़क़त फ़र्ज़ किया है अब मौजूदा दौर में ना तो दिरहम का रिवाज है ना दनारेर का रिवाज है बल्कि वक्त के धा, इस वक्त धात के सिक्के और कागज़ी नोट चल रहे हैं तो इस वक्त जकवा़त का निसाब क्या होना चाहिए तो जकवात का निसाब वही होगा जो हज़र पाक अलीसलाम ने मुखर फरमाया है अगर किसी के पास साठ ग्राम सात सौ पचपन मिली ग्राम सोना हो या दो सौ पच्चीस ग्राम या दो सौ मिलीग्राम चांदी हो तो उस शख़्स पर ज़कात फ़र्ज है या इसके मुमासिल रकम हो या इतना तजारती माल हो तो ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व ने ज़कात फ़र्ज किया है वाज़े रहे कि ज़कात सिर्फ़ सोने और चांदी में नहीं है बल्कि तजारती अशिया और तजारती माल वगैरह में भी है और जानवर वगैरह में भी है जबकि वो ज़क़ात के निसाब को पहुँचे और उस पर साल गुजरे اس کے بعد زکوۃ کن افراد کو دینی چاہیے اور کیسے افراد کو ادا کرنی چاہیے اس کے متعلق اللہ تعالی مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين وَالْعَامِلِينَ عَلِيْهَا والمؤلفة قلوبهم وَفِي الرقاب والغارمین وفي سَبِيلِ اللَّهِ وابن السَّبِيلِ فَرِيضَةً من اللَّهِ والله علیم حكيم صدقات फ़खरा को दी जाए और मसाकिन को और उन कारकुनों को जो ज़क़ात वसूल करने के लिए मुकर किए गए हैं और मुसाफिर को और अल्लाह ताला की राह में और किसी गरीब को और ऐसे लोग को दी जाए जिसके दिल में इस्लाम की उल्फत मोहब्बत पैदा करना मकसूद हो ये अल्लाह ताला का फरीज़ा है और अल्लाह ताला ख़ूब जानने वाला और हमत वाला है खुलासे कलाम ये है कि अल्लाह शबारक व खुला कलाम ये है कि हज़र पाक सलाम ने यह फरमाया कि जकवात ऐसे शख्स को दी जाए जो सादात इकराम में से ना हो और उसके पास इतना माल ना हो जो ज़कवात के निसाब को पहुँचता हो कि नफ़रत को ज़क़़त नहीं दी जा सकती अदायगी जकवात में ये बात याद रखनी चाहिए कि अपने असूल यानी दादा दादी नाना नानी वालिद वालिदा को जक़ात नहीं दी जा सकती अपने फ्रू यानी बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी इन अफराद को जक़ात अदा नहीं की जा सकती और इसी तरह बीवी शोहर को शोहर बीवी को जक़ात अदा नहीं कर सकता इसके सिवा अगर दीगर करीबी रिश्तेदार है और अगर वो जक़ात के मुस्क है तो दीगर लोगों के मुकाबले में इन लोगों को ज़क़ात देना बेहतर है इनको करीबी रिश्तेदार को ज़क़ात देने से दोहरा सवाब है एक तो ज़क़ात अदा करने का और एक उनके साथ सिल रही करने का ज़क़ात अदा करने वाले के लिए बेहतर यह है कि सबसे पहले अपने मुस्तक भाई बहनों को दे और अपने खाला मामू चाचा वगैरह को जक़ात दी जाए जक़ात के बाद अब हमें सदक़र के मुतल जानना जरूरी है कि इसके मतलब हजूर अक्रम सली वम का क्या अर्शाद मुबारक है तो हज़र पाकाम ने हर छोटे बच हर छोटे बड़े की जानब से मर्द औरत की जानब से फितर देने का हुक्म फरमाया है। फितर का हुक्म वाजिब है उसके वाजिब होने के लिए सिर्फ तीन शराइें एक तो मुसलमान होना और एक आज़ाद होना और उसका माल निसाब तक पहुँचने वाला हो सदक फितर का निसाब भी वही होगा जो ज़कवात के लिए मुकर किया गया है लेकिन फितर में माल का बढ़ने वाला होना और उस पर एक साल गुजरना शर्त नहीं जबकि ज़कात में माल का बढ़ने वाला होना और एक साल गुजरना शर्त है फितर की मकदार गेहूँ की शक्ल में अगर अदा किया जा रहा है तो आधा सा और अगर जौ की शक्ल में दिया जा रहा है तो एक सा जाएगा लेकिन कीमत देना अफजल है ताकि गरीब व महताज लोग अपनी ज़रूरत की तकमील कर सके